हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक पर अगर आप रील्स अपलोड करते हैं और आपके रील्स यहां पर वायरल नहीं हो रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना रील्स वायरल करना है, क्योंकि फेसबुक पर जो अपडेट आया हुआ है उससे आपके फेसबुक रील्स जो है अब वायरल हो जाएंगे। आपको उस अपडेट का जो है सेटिंग करना है और उस सेटिंग्स को पूरा फॉलो करना है और आप भी अपने किसी भी रील्स को अब वायरल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल बिजटेक पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आप यहाँ पर लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए गाइस, होता क्या है कि फेसबुक पर हम रील्स अपलोड कर देते हैं, बस यहाँ पर जो रील्स अपलोड करने का सही तरीका है, जो सारी सेटिंग्स है उनको फॉलो नहीं करते हैं, इसी वजह से हमारे रील्स पर व्यू नहीं आते हैं और हम उससे यहाँ पर अगर रील्स अगर वायरल होता है तो हमारे भी एड्स ऑन रील्स वगैरह अनेबल हो जाते हैं और उससे हमको अर्निंग होती है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं आपका रील्स वायरल हो तो आपको जो सेटिंग्स मैं बताऊंगा उस सेटिंग्स को आपको फॉलो करना है, क्योंकि फेसबुक का ये अच्छा अपडेट आया हुआ है जिस पर आप इस सेटिंग्स को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं अपने जो है प्रोफाइल पर अपलोड करूँगा रील्स और आपको भी इसी तरह से रील्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने प्रोफाइल पर और यहाँ पर रील्स आप देख सकते हैं, यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं और चाहे आप यहाँ से अपने प्रोफाइल पर क्लिक करके रील्स वाले सेक्शन पर क्रिएट रील्स पर भी आप क्लिक करके यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। ये दोनों सही तरीके हैं रील्स अपलोड करने का। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ क्रिएट रील्स पर और मान लो यहाँ पर किसी भी फोटोज या किसी भी वीडियोज को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मान लो इस रील्स को मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं ये रील्स है जिस पर मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए एडिट का भी एक ऑप्शन आता है और एडिट का भी ऑप्शन आता है और इस पर देख सकते हैं कि आप एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, क्रॉप भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं किसी वीडियोज़ को बनाए हुए हैं और उसको अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप पर क्लिक करके इस ऑप्शन को थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आपने रेशियो सही सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो आप इसको क्रॉप वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट नया ऑप्शन है। तो मान लो मैं सारी सेटिंग्स छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यू सेटिंग्स की, जो अच्छी सेटिंग है। क्लिक किया, अब यहाँ देख सकते हैं आपको अपने रील्स के बारे में लिखना है और आप अगर नहीं लिखते हैं तो समझ लीजिए आपका रील्स वायरल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रील्स के बारे में लिखना है। यहाँ पर हेयर कटिंग लिख देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से हेयर कटिंग, इस तरह से, ये क्योंकि हेयर कटिंग रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये किया और हैशटैग लगाया, हैशटैग में आपको रील्स पर क्लिक कर देना है। रील्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर हैशटैग आपको ट्रेंडिंग रील्स लिख देना है और इसके बाद इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ट्रेंडिंग रील्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये हैशटैग लग गया, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हु कैन सी द रील्स, तो आपको यहाँ पर पब्लिक पे क्लिक कर देना है। हो सकता है आपका यहाँ पर प्राइवेट हो या हो सकता है आपका ओनली फ्रेंड्स हो, तो आपको क्या करना है यहाँ पर क्लिक कर देना है पब्लिक पे। अगर पब्लिक में जाएगा तो ज़्यादा ऑडियंस के पास जाएगा और आपके रील्स जो है ज़्यादा वायरल होंगे। तो ये थी पहली सेटिंग। दूसरी सेटिंग आप देख सकते हैं टैग पीपल्स, अगर आप चाहते हैं बहुत सारे लोगों के पास भेजना और उनके भी जो फ्रेंड्स हैं आपके रील्स को देखें तो यहाँ पर आपको टैग्स पीपल्स पर क्लिक कर देना है और जिस आप पीपल्स को क्लिक करेंगे उनके पास डायरेक्टली उनके प्रोफाइल पर चला जाएगा, वहां पर टैग हो जाएगा। तो यहां पर मान लो मैंने एक पर्सन को क्लिक कर दिया। दूसरा यहां पर आपको क्या करना है, जो बड़ा टॉपिक आया हुआ है यहां पर ऐड टॉपिक्स का, ये आपको ऑप्शन पहले इंस्टाग्राम पर देखने को मिलता था बट अब यहां पर ये जो ऑप्शन है अब फेसबुक रील्स पर भी ऐड कर दिया गया है रील्स वायरल करने के लिए। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो ऑप्शन है ऐड टॉपिक्स का उसको आपको यहां पर सर्च कर लेना है। तो यहां पर मान लो ब्यूटी पर क्लिक कर देता हूं और उसके बाद अगर यहां पर और बहुत सारे मिल जाएंगे तो आपको उन सारे सेटिंग्स को आपको कर देना है। मान लो अलग अलग आपको तीन यहां पर ऐड टॉपिक्स क्लिक करने हैं तो फिटनेस या वगैरह मैं कर देता हूं, ये हो गया। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देता हूं, अब ये हो गया यहां पर ऐड टॉपिक्स, मतलब दो टॉपिक्स मैंने ऐड कर दिए। तो अगर इस टॉपिक्स रिलेटेड कोई भी सर्च करेगा तो वहां पर ये ऑप्शन उनको ये रील्स भी उसमें दिखाई पड़ेगी। तो यहां पर सेव नाउ पर क्लिक कर देता हूं, अब ये रील्स जो है अपलोड हो चुका है। तो सही तरीका रील्स का अपलोड करने का यही है और इसमें जो सेटिंग्स मैंने बताई उन सेटिंग्स को अगर आप करते हैं तो आपके रील्स पर अगर व्यू नहीं आ रहे तो अब आना शुरू हो जाएंगे और आपके भी रील्स वायरल हो जाएंगे। तो ये था फेसबुक का नया अपडेट और सही तरीका रील्स अपलोड करने का अगर आपके रील्स पर व्यू नहीं आ रहे थे। तो ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को यहाँ पर लाइक करिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।